दलित के सीट पर और सुशील मोदी का वैश्य समाज को जाना दलित समुदाय के लिए एक बेहतर सा महसूस नहीं हो रहा है। इस स्तर का राजद क्या, किसी भी दल में इस स्तर का कोई नेता नहीं है, और जो कोई देना भी चाहेगा तो बुरी तरह से हारेगा, बहुमत भी आपके साथ है। तो मोदी जी के कद का नेता राजद में तो नहीं है कोई। तेजस्वी, क्या मैं पूरे महागठबंधन के बारे में कह रहा हूँ कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष जो है नेता विहीन और नीति विहीन है। राज्यसभा सीट को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई थी, पर आज सुशील कुमार मोदी ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है। पर वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने भी साफ कहा था कि वो भी अपना दावेदारी पेश करेगी, अपने उम्मीदवारों को वो भी खड़ा करेगी राज्यसभा के लिए। पर 24 घंटा से भी महज कम वक्त बचा है और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से कोई चेहरा आगे नहीं किया गया है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? निर्भय अम्बेडकर। अच्छा, सुशील कुमार मोदी ने आज नॉमिनेशन कर लिया है राज्यसभा के लिए, महागठबंधन से अब तक कोई चेहरा आगे नहीं किया गया है, क्या लगता है? महागठबंधन के तरफ से रीना पासवान के लिए समर्थन देने की बात तो कही गई थी, अब वो नॉमिनेशन नदी नहीं नामांकन कर रही है तो अब उसकी जिम्मेदारी। पासवान ने तो सिरे से खारिज किया था इस प्रस्ताव को। नहीं तो किया हो जो, लेकिन इधर से समर्थन देने की बात हुई थी इसलिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित नेता थे और वो सीट के से ये करते थे, और वो दलित के सीट पर और सुशील मोदी का वैश्य समाज को जाना दलित समुदाय के लिए एक बेहतर सा महसूस नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को कि सुशील कुमार मोदी को टक्कर देने योग्य अभी कोई चेहरा नहीं है, इसलिए आगे नहीं कर रहे? वैसी बात नहीं है, दलित का चेहरा था दलित के लिए तो रीना पासवान के लिए उन्होंने समर्थन देने की घोषणा तक के अपने पार्टी की तरफ से कोई चेहरा अपने पार्टी से क्या, जो जिसके सीट शेयरिंग में आ रहा था उसके जो उनके मिसेज के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया, बाकी और क्या था, उनका हस्बैंड को NDA सरकार ने तो पद दिया था, उसी पद के दावेदारी के लिए रीना पासवान को महागठबंधन की समर्थन देने की ओर से बात की गई थी। सुशील कुमार मोदी जी अपने बिहार प्रांत के इतने वरिष्ठतम नेता हैं और अपने कार्य के प्रति इतनी लगनशीलता उनमें रही है अपने 30 साल के संसदीय इतिहास काल में, और उसके पहले भी विद्यार्थी परिषद में रहते हुए राष्ट्रीय स्तर तक का कार्य क्रम के हिसाब से इनका जो इतिहास रहा है, उस स्तर का राजद क्या, किसी भी दल में इस स्तर का कोई नेता नहीं है, और जो कोई देना भी चाहेगा तो बुरी तरह से हारेगा, बहुमत भी आपके साथ है। यानी राजद का कोई चेहरा आगे भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तो ये इस पर्सनालिटी का उस दल में कोई नेता ही है नहीं, और बहुमत आपके साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हारने के लिए कोई क्यों खड़ा करेगा। और जहाँ तक मोदी जी की बात रही तो मोदी जी के कद का नेता राजद में तो नहीं है कोई, इसलिए हमको नहीं लगता है कि राजद के लोग मोदी जी के सामने खड़ा होने का भी साहस करेंगे, ऐसा नहीं लगता। तो राजद तो ये बोल रहा है कि अगर हम अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, और वो उतारेंगे ऐसा कहते नजर आए, पर अगर उतारते तो सुशील कुमार मोदी दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। नहीं, वो ठीक है, कहने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन सही बात यह है कि सुशील कुमार मोदी के कद का नेता राजद के पास नहीं है, और यदि ऐसा दुस्साहस करते हैं राजद के लोग तो उनका हार तय है, ये निश्चित। कभी नहीं। ऐसा क्यों लगता सर आपको? इसलिए लगता है कि वो लोग बहुत मेहनत किए थे, लेकिन विकास का काम जो उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है बिहार, इसलिए सारे लोग नरेंद्र मोदी के अनुयायी हैं, और सारे भारतीय जितने बिहारी हैं सब विकास ही देखते हैं। सुशील मोदी के का शासनकाल में बिहार का बहुत ही विकास हुआ है, इसलिए हम लोग उनको आगे भेजना चाहते हैं कि आगे से और विकास करें। अच्छा, सुशील कुमार मोदी तो नॉमिनेशन उन्होंने करवा लिया राज्यसभा के लिए, राजद ने दावेदारी पेश की थी, पर अब तक कोई चेहरा आगे नहीं, क्या कोई चेहरा दिख नहीं रहा राजद को? देखिए, राजद के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। जब हम लोगों को उस पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं है तो हम लोग उसके बारे में क्या बताएं? पार्टी की बात नहीं है, क्या लगता है आपके पास कोई राजद के पास वैसा चेहरा है जो सुशील कुमार मोदी को टक्कर दे पाएगा राज्यसभा? कोई नहीं दे पाएगा। कोई नहीं कोई नहीं
कोई नहीं दे पाएगा। चेहरा ही नहीं है उनके ना, निर्विरोध चुने जाएंगे सुशील कुमार मोदी। अब ऐसा भी हम तो लोगों तो ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि निर्विरोध चुने जाए। उम्मीद तो बहुत किए जा रहे हैं, अब देखने वाली बात है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में राजद ने अब तक कोई चेहरा आगे नहीं किया है। कुछ ही देरों में शायद राजद भी वो जो धुंधली तस्वीर है उसे साफ कर दे कि आखिर राज्यसभा के लिए वो किसे आगे कर रहे हैं। खैर, लोगों से हम लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो में बने रहे। एकदम सही है, सुशील मोदी के आगे राष्ट्रीय जनता दल में कोई प्रत्याशी है ही नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। ना पहले किसी ने मुकाबला माननीय सुशील मोदी जी का किया बिहार की राजनीति में, और आज जो बाई इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा का, तो महागठबंधन तेजस्वी क्या, मैं पूरे महागठबंधन के बारे में कह रहा हूँ कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और माननीय सुशील मोदी जी बिहार का एक सर्वमान्य नेता है और सर्वमान्य चेहरा है, जिन्होंने आज राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो निर्विरोध चुनाव जीतकर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में वो शपथ ग्रहण लेंगे। पर राजद ने तो साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार उतारेंगे, पर 24 घंटे से भी महज कम का वक्त बचा है। उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं को भ्रम में डाल रहे हैं। उनके पास कोई नहीं है, अगर रहता तो अब तक नाम आ जाना चाहिए मार्केट में। बिहार के आम जो मतदाता हैं, मतदाता तो इसके विधानसभा के जो माननीय सदस्य होते हैं, लेकिन बिहार में तो नाम आना चाहिए था ना कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन ने अमुक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में नामित किया, लेकिन उनके पास कोई चेहरा नहीं है, ना कोई नाम है जो सुशील मोदी का और NDA का मुकाबला कर सके राज्यसभा के चुनाव में। देखिए, विपक्ष जो है नेता विहीन और नीति विहीन है। अच्छा। विपक्ष के पास ना नेता है और ना ही कोई नीति है। और जहां तक बात माननीय सुशील मोदी जी की है, तो सुशील मोदी जी का मुकाबला करने के लिए राजद के पास, पूरे महागठबंधन के पास कोई वैसा व्यक्तित्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं है जो माननीय सुशील मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। और आदरणीय सुशील जी, राज्यसभा का चुनाव निश्चित रूप से जो परिदृश्य बन रहा है, निर्विरोध निर्वाचित होंगे, और हम लोगों को आशा है केंद्रीय नेतृत्व से भी कि आदरणीय सुशील जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और बिहार के विकास के रफ्तार को और उनके नेतृत्व में तेज किया जाएगा। कहता रहा कि वो अपना चेहरा आगे करेगा राज्यसभा के लिए और सुशील कुमार मोदी को हार का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, कथनी और करनी में उनके अंतर है ना। कह रहे हैं कि मैं चेहरा आगे करूंगा, लेकिन 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया, तो ये साफ है कि वो कहीं ना कहीं ढूंढते फिर रहे हैं। उनके पास कोई चेहरा है नहीं, केवल दावे किए जा रहे हैं कि चेहरा है, लेकिन वास्तविकता है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और आदरणीय सुशील जी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले हैं राज्यसभा के लिए। रामविलास जी की पत्नी को तो सब लोग कर रहे हैं, जैसा न्यूज़ में आ रहा है। महागठबंधन की तरफ से थोड़ी, और चिराग पासवान ने सिरे से तो खारिज कर दिया था, चिराग पासवान ने तो इग्नोर किया था, चिराग पासवान इसके इलेक्शन में महागठबंधन में आने के लिए ना, अभी तो उनकी माँ तो तैयार हो ही रही है उसके लिए महागठबंधन की तरफ से। पर राजद के पास वैसा कोई चेहरा दिख रहा है कि वो उसे आगे कर सके? हम कुछ उतना आइडिया नहीं है हमको इसमें, लेकिन सब लोग तो उसी के विषय में बात कर रहे हैं, उन्हीं को खड़ा किया जाएगा। यही कारण है तेजस्वी यादव ने अब तक कोई चेहरा आगे नहीं किया है। हाँ, उन्हीं को लगभग तैयार हैं वो अंदरूनी तौर पर, यानी तेजस्वी यादव सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान के लिए नहीं, चिराग पासवान की माँ के लिए। हाँ, तो चिराग पासवान की माँ जब दावेदारी पेश कर रही हैं, तो यानी चिराग पासवान उनकी पार्टी को और उनके माता श्री को सपोर्ट करेंगे तेजस्वी? ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा ना, फिर तो फूट हो जाएगी आपस में, NDA में तो फूट पड़ जाएगा। फिर क्या लगता है, चिराग पासवान की मां को लेकर ही तेजस्वी यादव ने पांव पीछे किया और अपना उम्मीदवार नहीं डाला? देखिए, ऐसा है कि मैं इन चीज़ का मालूमात नहीं रखता हूं, ठीक है, और जिस चीज़ की मालूमात नहीं उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है, इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि हमको इसके मामले में कोई जानकारी नहीं है। राजनीति पहलुओं से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है वोट डालना, वोट डाल देता हूँ, जिसको दिल से चाहता हूँ आ गया तो खुशी होती है, नहीं अगर आया तो दुख होता है थोड़ा कि हमारा वोट बर्बाद हुआ। सोच विचार के तो वोट करते हैं, सोच विचार के ये करते हैं कि बिहार के लिए अच्छा हो, मोहल्ले में जिसको हम वोट डाल रहे हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो मोहल्ले के लिए, समाज के लिए अच्छा करें, ये सोच के डालते हैं। लेकिन अभी तक जो भी, अभी हमारे एरिया से, पटना साहब से जो हमारे
नंद किशोर जी आ रहे हैं, 4 से 5 बार उनको मौका मिला, उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है कि जो उनसे संतुष्ट नहीं है, जैसे लोधी कटरा हो गया, नून के चौराहा हो गया, फैशाद के मैदान हो गया, तो ये सब एरिया में थोड़ा उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उनसे ये अनुरोध है कि उस पर भी ध्यान दें ताकि फुल सपोर्ट उनको अच्छी तरह से मिले। ये तो भाई जो टक्कर देने वाला था अभी वो तो बैठा हुआ है। अच्छा, कौन देने वाला था? अब सबको पूरा बिहार को मालूम है, आपको भी मालूम है, तो आप समझ जाइए आप। अब इससे आगे तो हम कुछ बोलेंगे खुल के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो चाह रहा था आदमी वो हुआ नहीं, अब आगे होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने बीजेपी के साथ तो निभाया है, सही साथ निभाया है। इस बार राज्यसभा में जीत जाएंगे? अब क्या पता जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आपको क्या लग रहा? जीत ही सकते हैं, क्या पता, जीत भी सकते हैं, क्या पता। देखने वाली बात यह है कि बाई इलेक्शन हो रहा है, जो सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुआ था, वैकेंट हुआ था, उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार निशाना साधते दिख रहे थे। हम महागठबंधन की बात करें तो श्याम रजक भी कई बार खुलकर लोजपा चिराग पासवान को ये कहते नजर आए कि माता श्री को अगर आगे करते हैं वो अपने, तो तमाम महागठबंधन के जो दल हैं वो समर्थन करेंगे। वहीं बीजेपी ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था कि सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा, और आज सुशील कुमार मोदी ने अपना नॉमिनेशन करवा लिया है। पर अब तक महागठबंधन और राजद की तरफ से कोई चेहरा साफ नहीं हो पाया है। 24 घंटे से भी महज कम का वक्त बचा है, ऐसे में बिहार की सियासत कब करवट ले ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते नजर आए कि राज्यसभा सीट के लिए अगर उन्हें लगा तो वो अपने कैंडिडेट को भी आगे करेंगे, मगर चिराग पासवान की जो माता हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो समर्थन करते दिखाई दे रहे थे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।